स्वागत है आपका शिवम की गणित में। अगर आप ये MRS TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर आए हैं। ये सीरीज का पांचवा पार्ट है। अगर इसके पहले के आपने पार्ट नहीं देखे तो प्लेलिस्ट बनी है, जाकर आप देख सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है? तो कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है? तो ये की जाती है बिट में। किसमें की जाती है? बिट में की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो मदरबोर्ड में ऐसा क्या होता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो ये क्या होता है? तो ये होता है सिस्टम बस। क्या होता है? सिस्टम बस होता है। और कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? उस कहते हैं सीपीयू को। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? तो पहला कंप्यूटर प्रोग्राम का किसका प्रयोग करते हुए किए गए थे? तो ये किए गए थे मशीन लैंग्वेज का उपयोग करते हुए। किसका? मशीन लैंग्वेज का उपयोग करते हुए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? तो बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किसने किया था? तो बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था जॉन जी कैमी ने। किसने किया था? जॉन जी कैमी ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ? तो बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? तो ये हुआ था 1964 में। कब हुआ था? सन 1964 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है फ्लो चार्ट। क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो निम्नलिखित में कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो ये है फोरटेन। कौन सी भाषा है? फोरटेन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो ये है व्यवसायिक कार्य के लिए। किसके लिए? व्यवसायिक कार्य के लिए उपयोगी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्य कार्यों में किया जाता है? तो किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्य कार्यों में किया जाता है? तो ये किया जाता है कोबोल में। किसका? कोबोल में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है? तो अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो ये है कोबोल। कौन सी भाषा है? कोबोल भाषा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? तो कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? तो इसके आविष्कारक हैं सन माइक्रोसॉफ्ट। कौन? सन माइक्रोसॉफ्ट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारे कंप्यूटर में लागू होती है? तो सारे कंप्यूटर में क्या लागू होती है? तो सारे कंप्यूटर में लागू होती है मशीन भाषा। क्या लागू होती है? मशीन भाषा लागू होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है? तो इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? तो ये कंप्यूटर लैंग्वेज है जावा। कौन सी लैंग्वेज है? जावा लैंग्वेज है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है? तो यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस प्रयोग में लाई जाती है? तो ये लाई जाती है वेब सर्वर में। किस रूप में? वेब सर्वर के रूप में लाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है? तो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है? तो ये है मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? तो कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? तो ये है हार्ड लेवल लैंग्वेज। कौन? हार्ड लेवल लैंग्वेज है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गलती एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो गलती एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं लॉजिकल एरर। क्या कहते हैं? लॉजिकल एरर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? तो मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है?
तो मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है न्यूमेरिक कोड। क्या प्रयोग करती है? न्यूमेरिक कोड। द न्यूमेरिक कोड कौन कौन से हैं? तो वो हैं वन और जीरो। कौन कौन से? वन और जीरो, जिन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं बाइनरी डिजिट। क्या बोलते हैं? बाइनरी डिजिट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। तो कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए कौन से नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं? तो ये करते हैं बाइनरी का। किसका प्रयोग करते हैं? बाइनरी का प्रयोग करते हैं, जो होती है वन और जीरो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? तो निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? तो सबसे बड़ा यूनिट है टीबी। सबसे बड़ा यूनिट है टीबी। पहले केबी आता है, उसके बाद आता है एमबी, एमबी के बाद आता है जीबी, जीबी के बाद आता है टीबी। तो एक एमबी में होते हैं 1024 केबी और एक जीबी में होते हैं 1024 एमबी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिट किसका लघु रूप है? तो बिट किसका लघु रूप है? तो बिट है बाइनरी डिजिट का लघु रूप। किसका है? बाइनरी डिजिट का लघु रूप है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बाइट से कितने विकल्प होते हैं? तो एक बाइट से कितने विकल्प होते हैं? तो एक बाइट से विकल्प होते हैं 8। कितने विकल्प होते हैं? 8 विकल्प होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है बिट। क्या कहलाती है? बिट कहलाती है। बिट के बाद आता है बाइट, बाइट के बाद आता है किलोबाइट, किलोबाइट के बाद आता है मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद जीजाबाइट, जीगाबाइट के बाद टेट्राबाइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितना बाइट मिलकर एक किलोबाइट बनता है? तो कितना बाइट मिलकर एक किलोबाइट बनता है? तो ये बनता है 1024। कितना? 1024 बाइट मिलकर एक बाइट किलोबाइट बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? तो बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? तो उसमें होते हैं सिर्फ 2 अंक। कितने अंक होते हैं? सिर्फ 2 अंक होते हैं। कौन कौन से? 1 और 0। कौन कौन से? 1 और 0। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? तो अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं कोडिंग सिस्टम। क्या कहते हैं? कोडिंग सिस्टम कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापी जाती है? तो कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापी जाती है? तो ये मापी जाती है बिट में। किसमें मापी जाती है? बिट में मापी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉजिक गेट क्या है? तो लॉजिक गेट क्या है? तो लॉजिक गेट है एक प्रकार का सर्किट। क्या है? एक प्रकार का सर्किट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? तो कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? तो ये किया जाता है डिजिटल डाटा। किस रूप में? डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? तो कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है? तो वो है यूटिलिटी। कौन सा है? यूटिलिटी। तो आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लगे? अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे सीरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।